तो टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार ज्ञानवापी का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाए जाने के बाद बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने क्या कहा ज्ञानवापी को लेकर, ये आपको सुनवाते हैं। कल टाइम्स नाउ ने जो आपने वीडियो चलाया है उससे जो हम अब तक बात कह रहे थे एकदम प्रूव हो गया। हम हमेशा से कह रहे थे कि वो मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है और वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें पहले सर्वे में आ चुकी हैं। तो कल आपने जो इस्टेब्लिश किया है वो देश के सभी हिंदुओं के जो मन में था, आपने वही बात स्पष्ट कर दिया कि हाँ वो मंदिर है, मंदिर था और आगे भी मंदिर ही रहेगा। मंदिर की दीवार तोड़ने से, मंदिर की छत तोड़ने से, मंदिर का गुंबद चेंज करने से या मंदिर की दीवारों पे कुछ नया कर देने से या मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का करेक्टर चेंज नहीं होता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, उसका करेक्टर चेंज नहीं होता। तो वास्तव में तो मुस्लिम पक्ष मंदिर में बैठ के नमाज पढ़ रहा है, भगवान महादेव के सामने बैठ के नमाज पढ़ रहा है। हमें तकलीफ इस बात की है कि जहाँ महादेव का जलाभिषेक होना चाहिए था, उनका रुद्राभिषेक होना चाहिए था, जहाँ प्रतिदिन उनका वहाँ पे आरती होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है, उनके सामने बैठ के नमाज पढ़ी जा रही है। हमने एक फ्रेश इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है, ये है निखिल उपाध्याय और ये उसमें एप्लीकेंट है, मैं इनका एडवोकेट हूँ, मेरे बेटे हैं ये। और हमने ये बेसिकली जो हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको ड्राफ्ट करने में निखिल ने बहुत मदद किया था। एक्चुअल में इनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था उसमें, जो हमने पिटीशन चैलेंज किया वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो यहाँ पे भी हम कोर्ट को यही बताने जा रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहली बात तो लागू ही नहीं होता ज्ञानवापी के मामले में, क्योंकि इसका रिलीजियस करेक्टर कभी मस्जिद का था ही नहीं, ये हमेशा से मंदिर था। 1947 में भी मंदिर था, 2022 में भी मंदिर है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए निखिल ने एक पिटीशन फाइल किया है, मैं इनका एडवोकेट हूँ और इस पर हम सुनवाई की मांग।